हमने काफी सारी वीडियोस देखी एंड पीपल्स आर सेइंग कि आईफोन 14 इज ए फोटो स्टेट ऑफ आईफोन 13। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि दोनों आईफोन्स 5G हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ओके, आईफोन 13 में क्वालकॉम X60 5G मॉडल मिलता है एंड आईफोन 14 में क्वालकॉम X65। अगर हम ओखला रिपोर्ट्स की माने तो आईफोन 14 में डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड इज 30-35% बेटर देन आईफोन 13। मतलब इन आईफोन 14 यू गॉट बेटर इंटरनेट वाला तामझाम। हाँ, मानता हूँ बाहर से देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा कैमरा बम्प एंड मॉड्यूल का फर्क है, पर अंदर का पूरा तामझाम चेंज कर दिया है। मतलब भगवान ना करे अगर आपके आईफोन 13 का बैक पैनल टूट जाता है तो कैमरा एंड डिस्प्ले को छोड़ के सारी चीजें नहीं पड़वानी पड़ेंगी, क्योंकि एवरी कंपोनेंट इज अटैच्ड विद बैक पैनल और सही कराने में 35-40 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट आईफोन 14 तो हार्डली 18-20 हजार रुपए में सारी चीजें सही हो जाएंगी, और ये प्राइस मैं एप्पल वालों से बात करके ही बता रहा हूँ। मतलब सीधा 17-18 हजार रुपए का डिफरेंस है। एंड ड्यू टू इंटरनल चेंज यू गेट बेटर थर्मल्स इन आईफोन 14। मतलब आईफोन 13 के मुकाबले आईफोन 14 कम गर्म पड़ेगा हैवी टास्किंग या फिर गेमिंग के टाइम। खैर, आई एम हिंद गुर्जर एंड इस वीडियो में हम आईफोन 13 14 की बिल्कुल गहराई में जाके बात करेंगे। मतलब आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छा, एसएम का नाम आपने सुना ही होगा, तो आईफोन 13 में यू कैन इंस्टॉल ओनली 2 ASMs एंड आईफोन 14 में 8 से भी ज्यादा ASMs इंस्टॉल कर सकते हो विद 2 एक्टिव ASMs। आपने एम्बिएंट लाइट सेंसर का नाम सुना होगा जो डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का काम करता है, आईफोन 13 में भी मिलता है, बट इन आईफोन 14 यू गॉट डुअल एम्बिएंट लाइट सेंसर। एंड इस चीज का पता आपको तब चलेगा जब आप दोनों आईफोन्स को डायरेक्ट सूर्य देवता के कॉन्टेक्ट में लेके जाओगे, मतलब इन आईफोन 14। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आईफोन 14 में आपको 6GB रैम मिलती है एंड इन आईफोन 13 ओनली 4GB। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईफोन 14 ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि रैम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा एप्स इंस्टॉल कर पाओगे एंड रैम इज लाइक स्पेस इन एनी स्मार्टफोन जो करंटली रनिंग प्रोसेस को हैंडल या फिर मैनेज करता है। मतलब हैवी टास्किंग या फिर मल्टी टास्किंग जैसी चीजें आईफोन 14 बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा। अच्छा, SOS वाला तामझाम भी आपने सुना ही होगा आईफोन 14 में मिलता है, जो सैटेलाइट के थ्रू हाय हेलो आप कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि आम जनता के ये कभी काम आएगा। अच्छा, जियो का सीन तो आपको याद ही होगा, पहले शुरू में डेटा एंड सिम फ्री में बांट दी, लोगों की आदत डाल दी एंड उसके बाद में कराओ 300-300 रुपए के रिचार्ज। एंड सेम चीज ये सैटेलाइट वाले फीचर में होने वाली है, शुरू के 2 साल तक तो फ्री है पर उसके बाद में काफी मोटा पैसा खींचेगा एप्पल। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी लोग जंगल या पहाड़ों में जाके कहीं खो सकते हैं। हाँ, क्रैश डिटेक्शन काम आ सकता है क्योंकि इंडिया में हैवी ड्राइवर्स बहुत है। अब कुछ सेम जैसी चीजों की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर इज मतलब हमने दोनों आईफोन्स में काफी तगड़े काम करके देखे, लाइक एक साथ मल्टी टैब्स ओपन करके देखे, बैकग्राउंड में सारे एप्स खोल दिए, डायरेक्ट सनलाइट में काफी देर तक कैमरा भी यूज किया एंड काफी सारे गेम्स भी ट्राई किए, बट परफॉर्मेंस में कोई बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं मिला। लेकिन जब आप दोनों आईफोन्स में एक साथ एप्स ओपन करते हैं तो कभी कभी कुछ सेकंड्स का डिले देखने को मिल जाता है इन आईफोन 13, बाकी यूजली तो सारे एप्स सेम टाइम में खुल जाते हैं। तो गेमिंग, स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, मतलब कितने भी हैवी काम कर लो, परफॉर्मेंस दोनों आईफोन्स में अप्रोक्स सेम देखने को मिलती है। मींस बस नंबर्स का थोड़ा सा फर्क है, प्रैक्टिकली फर्क है पर इतने से फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ टॉक अबाउट कैमरा। अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो आईफोन 14 के कैमरा मॉड्यूल का हिसाब किताब थोड़ा सा लंबा चौड़ा है एज कम्पेयर टू आईफोन 13, पर ये चीज आपको तभी फील होगी जब दोनों आईफोन आपके हाथ में होंगे। कैमरा इंटरफेस दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम जूम ऑप्शन देखने को मिलती है एंड आफ्टर जूम दोनों में क्वालिटी भी बिल्कुल सेम मिलती है, मींस नो डिफरेंस। इफ वी टॉक अबाउट स्टेबलाइजेशन, हमने कई बार टेस्ट किया, आईफोन 14 की वीडियो में हल्का सा जर्क फील हो रहा था इन नाइट वीडियो, बट आईफोन 13 की वीडियो बिल्कुल स्मूथ निकल आ रही थी, और ये जर्क तभी फील हो रहा था जब सड़क में हल्के फुल्के गड्ढे आ रहे थे, पर स्टेबल वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होती, चलते चलते वीडियो बनाओ तो भी स्मूथ वीडियो आती है, मतलब नो दिक्कत। अच्छा, फ्लैश की डिजाइन के अलावा आईफोन 13 की फ्लैश प्योर ऑफ व्हाइट है, मतलब कतई सफेद, लेकिन आईफोन 14 में हल्का वॉर्म या कहूं तो थोड़ा सा येलोइश टोन देखने को मिलता है एंड काफी टाइम्स आईफोन 13 के फोटो में बेटर क्वालिटी, बेटर डिटेलिंग एंड बेटर हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाती है, पर आईफोन 14 में कई बार फोटो को इन्हें
एनहांस करने के चक्कर में ओरिजिनल कलर्स गायब हो जाते हैं, लाइक कलर्स थोड़े लाइट हो जाते हैं। और अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो दोनों आईफोन्स की सेल्फी में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। लाइक आईफोन 13 थोड़ा सा वार्म या कहूँ तो नेचुरल टोन थोड़ी सी निकल के आती है, पर आईफोन 14 की सेल्फी में थोड़ा सा कूल इफेक्ट नजर आता है। जूम करने पर आईफोन 14 में लगता है जैसे पार्लर से अभी अभी ब्लीचिंग करा के आए हो, मतलब ऐसा समझ लो जैसे एडिटिंग में टेम्परेचर कम करके और टिंट इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया हो। बाकी मेन फोटोज में भी बहुत थोड़ा सा फर्क है, मतलब अगर बहुत ध्यान लगा के देखोगे तो ही पता चल पाएगा। बट 14 में डुअल एम्बिएंट लाइट सेंसर का फर्क रात में भी देखने को मिलता है, चाहे दोनों में मैक्स ब्राइटनेस सेम हो पर आईफोन 14 परफॉर्म्स बेटर। 14 में ऑटो फोकस बता रहे हैं कि इंप्रूव हुआ है, पर हमने दोनों टेस्ट किए एंड देयर इज नो डिफरेंस। आप फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, पोर्ट्रेट या फिर सिनेमैटिक, एवरीवेयर शक्ल अपने आप फोकस में आ जाती है। तो 14 का ऑटो फोकस वाला पॉइंट हम खारिज करते हैं। एप्पल वालों का कहना है कि आईफोन 14 की बैटरी 1 घंटे ज्यादा चलती है आईफोन 13 से। सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ 18 से 20 मिनट का फर्क आता है। हाँ, लेकिन दोनों की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सेम है। दोनों आईफोन्स की डेलाइट परफॉर्मेंस काफी हद तक सेम है, लाइक हर तरह के फोटोज खींच के देखे हमने, कहीं भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बस एक फर्क है, आईफोन 14 की फोटो थोड़ा सा वार्म इफेक्ट के साथ में आती है, अदर देन दिस नॉट एनी फर्क। बट अल्ट्रा वाइड में आईफोन 13 थोड़े से वार्म इफेक्ट क्रिएट करता है एंड कलर्स भी थोड़े डार्क निकल के आते हैं। बाकी वीडियो स्टेबिलाईजेशन सब सेम है, बस 14 में 4K सिनेमैटिक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड एक्शन मोड भी मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में फोटोज क्वालिटी में फर्क तो है, पर थोड़ा गौर से देखोगे तो, और ये फर्क शायद फोटोनिक इंजन की वजह से हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ फोटोनिक इंजन आईफोन 14 का फ्रंट कैमरा 2 times, अल्ट्रा वाइड कैमरा 2 times एंड मेन कैमरा 2.5 times बेटर लो लाइट परफॉर्म करता है आईफोन 13 से, ऐसा एप्पल वालों का कहना है। पर हमने काफी सारे फोटोज कैप्चर किए, मतलब डिफरेंट लाइटिंग में रियर फ्रंट दोनों कैमरा का उपयोग किया है, काफी अच्छी तरह से क्वालिटी आपके सामने है। अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो फर्क तो है दोनों के फोटोज में, पर 49% का इंप्रूवमेंट मुझे नहीं लगता। बाकी 4K सिनेमैटिक मोड है तो क्वालिटी काफी अच्छी खासी आ जाती है, लाइक ऐसा नहीं लगता कि जो एजेस हैं वो आर्टिफिशियल हैं, मतलब काफी हद तक नेचुरल लुक निकल के आता है। एक्शन मोड सच में काम करता है, मतलब दिन हो या रात हो वीडियो आपकी बिल्कुल मक्खन हो जाती है, एंड ये हमने बिल्कुल टेस्टिंग करके देखी है दिन रात दोनों जगह। बट एक्शन मोड में काफी ज्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, लाइक हमने ये वीडियो बिल्कुल डे लाइट में शूट की है पर फिर भी काफी ज्यादा ग्रेन्स आ रहे हैं वीडियो में। बाकी ब्लूटूथ में भी थोड़ा सा फर्क है, लाइक आईफोन 14 में बेटर रेंज, बेटर कनेक्टिविटी एंड बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू आईफोन 13, क्योंकि आईफोन 13 में 5 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन आईफोन 13 से थोड़ा सा हल्का है आईफोन 14, लेकिन 1 gram से कौन थक जाएगा। और भले ही आप ना माने, लेकिन माइनर डिफरेंस या फिर माइनर अपग्रेड जो आईफोन 14 है उसके स्पीकर में देखने को मिलता है, लाइक आईफोन 14 के स्पीकर स्लाइटली बेटर या फिर लाउड परफॉर्म करते हैं आईफोन 13 से। तो अगर आपके पास में 11-12 या फिर उससे पुराना कोई आईफोन है तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 14 की तरफ जाना चाहिए, अगर आप अभी खरीद के 6-7 साल चलाने की सोच रहे हो तो। अगर अभी आपके पास 13 है और आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो 14 लेना आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा डिसीजन रहेगा। बाकी मैंने दोनों आईफोन्स के जो डिफरेंसेस हैं, जो फीचर्स हैं, आपको बता दिए। जो 14 में फीचर्स देखने को मिलते हैं, अगर आपका काम उनके बिना चल जाएगा या फिर उन फीचर्स को आप कभी भी यूज़ करने वाले नहीं हो, 13 ले लो, आपको कुछ पैसे भी बच जाएंगे। बाकी कमेंट्स में बताओ आप कौन सा आईफोन लेने वाले हो। आईफोन 12 का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हो, आईफोन 13 का रिव्यू यहाँ देख सकते हो, आईफोन 14 का रिव्यू बहुत शेयर, बाकी सब्सक्राइब कर दो।